नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, हमेशा की तरह आज मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया गैजेट्स जो आपको मिल जाएंगे 500 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। सो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे जो सबसे पहला गैजेट है वो है ये पेपर हैंड श्रेडर, और यहाँ पे उसके एक्चुअल इमेज आपको देखने मिलती है और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलती है। बॉक्स आपको देखने मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन, स्पीकर की पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, ऑन ऑफ का बटन और एक ऑक्स इनपुट। तो अभी हम करते इसे पावर ऑन। तो जैसे हम इसे पावर ऑन करते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की एलईडी आती है जो इंडिकेट करती है पावर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम फोन को कनेक्ट करते हैं ऑक्स केबल से, और पैकेज के अंदर हमें कोई भी ऑक्स केबल देखने नहीं मिलता है। और जैसे आप ऑक्स इसे कनेक्ट करते हैं बस आपको प्ले बटन प्रेस करना है। सो गाइस, जैसे आपने सुनी इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन इसकी साउंड क्वालिटी है। बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट इसकी जो प्राइस है वो है 550 रुपीज़। और गाइस, 550 रुपीज़ की प्राइस में अभी आपको काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाते हैं। सो काफ़ी ठीक ठाक सा मुझे ये गैजेट लगा। सो गाइस, यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये सोप डिस्पेंसर, और मुझे पता नहीं मैं क्या सोच के इसे खरीद रहा था। मुझे लगा ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है उसीलिए मैंने इसे परचेस किया, बट जब ये मेरे पास अराइव हुआ मुझे पता चला ये मैनुअल सोप डिस्पेंसर है। तो अभी ऑर्डर ही किया है तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, ये है वो सोप डिस्पेंसर। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक होल देखने मिलेगा जहाँ से सोप डिस्पेंस होता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है कंपार्टमेंट जिसमें आपको जो लिक्विड सोप है उसे पोर करना है, और फिर आपको जो एंक्लोजर है उसे प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज करना है कुछ इस तरह, और फिर आप इसे प्रेस करोगे और तभी जाके आपका जो सोप है डिस्पेंस होगा। सो यहाँ पे हम जो लिक्विड सोप है उसमें पोर करते हैं और फिर हम इसे क्लोज करके ट्राई करते हैं डिस्पेंस करने का। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से डिस्पेंस हो चुका है, प्लस यहाँ पे आपका जो हाथ है वो भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिस्पेंस होता है। सो काफ़ी ठीक ठाक सा और यूज़फुल गैजेट है अंडर 500 रुपीज़। सो गाइस, यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये इलेक्ट्रिक इरेजर, और यहाँ पे आपको एक्चुअल इरेजर देखने मिलता है। पैक के पीछे की तरफ कई सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दी है, तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं।
सो गाइज ये है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक इरेजर और यहाँ पे आगे की तरफ आपको टिप देखने मिलती है इरेजर की टिप। यहाँ पे आपको देखने मिलता है ऑन ऑफ का बटन, नीचे की तरफ है बैटरी कंपार्टमेंट और उसके साथ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं 30 इरेजर के पीसे जिसे आप रिफिल भी कर सकते हो। सो गाइज अभी हम इसमें बैटरीज इंसर्ट करते हैं और गाइस जैसे ही बैटरी हम इसमें इंसर्ट करते हैं आप देख सकते हो जैसे ही मैं पावर ऑन का बटन प्रेस करता हूँ ये रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेपर के ऊपर मैं टेक अनबॉक्सिंग लिखता हूँ और हम ट्राई करेंगे इसे इरेज करने के लिए। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये काफ़ी ईजीली और आसानी से इरेज हो रहा है। सो गाइज ये गैजेट उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादातर पेंसिल का यूज़ करते हैं जैसे आर्किटेक्ट्स है और उनके लिए मतलब इरेजर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया और हैंडी गैजेट है। और गाइज अगर आपको इसे रिफिल करना है तो बस आगे का जो नॉब है उसे आपको रिमूव करना है और यहाँ पे जो इरेजर का टिप है आप उसे चेंज कर सकते हो। सो गाइज काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग गैजेट है अंडर 500 रुपीज़। सो गाइज यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये एडजस्टेबल LED लाइट और ये है उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइज उसके ऊपर से बारकोड और MRP मेंशन्ड है, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज ये है वो एक्चुअल LED लाइट आप देख सकते हो और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट और स्टिकिंग के लिए दो सरफेस। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है 3 AAA बैटरीज, 2 नीचे की तरफ और 1 ऊपर की तरफ। तो अभी हम इसमें बैटरीज इंसर्ट करते हैं। और गाइस अभी हम इसे टर्न ऑन करते हैं तो बस आगे का जो नॉब है उसे आपको रोटेट करना है और आप देख सकते हो ये टर्न ऑन हो चुका है। और जैसे आप नॉब को स्क्रॉल करोगे यहाँ पे जो ब्राइटनेस है काफ़ी बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो जाती है और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और ब्राइट इसकी LED लाइट है। सो यहाँ पे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए बताता हूँ। सो यहाँ पे जो इरेजर इलेक्ट्रिक इरेजर है उसे हम यहाँ पे रखते हैं और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन इसकी ब्राइटनेस है और इसकी जो ब्राइटनेस है आप काफ़ी ईजिली और आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। सो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको स्टिकी सरफेस देखने मिलता है तो आसानी से आप कहाँ पे भी इसे स्टिक कर सकते हो जैसे कि वार्डरोब है और जहाँ पे आपको वेरिएबल लाइट लगती है मतलब कम ज़्यादा लाइट वहाँ पे आप आसानी से इसे माउंट कर सकते हो और इसकी जो ब्राइटनेस है आप आसानी से ज़्यादा और कम कर सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग गैजेट है अंडर 500 रुपीज़। तो दोस्तों जैसे आपने देखा उन गैजेट्स का अनबॉक्सिंग काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग सारे भी गैजेट्स है। बस गाइज उसमें एक गैजेट का प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने लिक्विड सोप डिस्पेंसर, मुझे लगा वो ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है ऑपरेटेड ऑन बैटरीज, बट जैसे ही वो अराइव हुआ बाद में मुझे पता चला कि वो मैनुअल सोप डिस्पेंसर है। बट खैर कोई बात नहीं, हमें पता तो चला कि आपको डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से पहले। और गाइज बाकी जितने भी सारे गैजेट्स अनबॉक्स किए काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग थे और ये सारे गैजेट्स आपको 500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। बस गाइज उसमें जो एक स्पीकर था 3 वॉट्स का स्पीकर जो ऑक्स स्पीकर था उसकी प्राइस कुछ 500 से लेके 550 में वेरी होती है, बाकी सारे गैजेट्स आपको 500 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। सो अगर किसी को उन गैजेट्स को परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उन्हें परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज के वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।